हल्द्वानी में दिल्ली जैसी हालात में चल रही कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कर चलान व सीजिंग की कार्रवाई की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। आपको बता दी कि दिल्ली की कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद हल्द्वानी शहर में भी अब लगातार कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके तहत कल बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, जिला शासन, नगर निगम, अग्निशमन व पुलिस विभाग तथा विभिन्न विभागों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है, जहां बीते बृहस्पतिवार को निर्देशों के क्रम में शहर के विभिन्न कॉम्प्लेक्सों के बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें कई कोचिंग सेंटर जो कि बेसमेंट में संचालित किए जा रहे हैं उनको नोटिस व सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं 25 से अधिक कोचिंग संचालकों का चालान किया गया। साथ ही मौके पर वहीं जिला प्रशासन द्वारा ऐसे कोचिंग केंद्रों को सील किया गया जहां पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे तथा आपातकाल में उनकी जान को खतरा हो सकता था। वहीं नगर निगम ने दुर्गा सिटी सेंटर और शहर के विभिन्न अनावश्यक होल्डिंग्स हटाने की कार्रवाई की ताकि समय रहते स्थिति को दुरुस्त कर लिया जाए और दिल्ली जैसी घटना हल्द्वानी में ना हो सके। देखिए पूरी खबर अंजलि पंत की UK 24x7 के लिए हल्द्वानी से। लगातार छापेमारी की जा रही है, किस तरीके का मामला है और अभी तक जो लगातार छापेमारी की कहां कहां की जा रही है और अभी क्या निकला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में DM मैडम ने एक कमेटी बनाई है, उसमें सभी विभागों के अधिकारी हैं, विशेषकर पुलिस, अग्निशमन और विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग के इसमें सम्मिलित हैं। अभी हम लोग हल्द्वानी नगर क्षेत्र के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स में, खासकर बेसमेंट में जो संचालित कोचिंग सेंटर हैं या स्टडी सेंटर के नाम पे चलाए जा रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी 3 सेंटर इसमें सीज किए गए हैं, अन्य सेंटर जो उपस्थित मिले हैं उनसे उनके वांछित जो अभिलेख हैं वो मांगे गए हैं, उनको समय दिया गया, नोटिस उनको जारी किया जाएगा, आगे भी इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। किस तरीके की कमियाँ सर देखने को मिली? देखिए, मुख्यतः अगर मैं विकास प्राधिकरण की बात करूँ तो जो बेसमेंट हैं वो किस उपयोग के लिए अनुमन्य है ये हम लोग देख रहे हैं। अग्निशमन विभाग अपने मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण कर रहा है। सीज कितने हैं? अभी 3 सेंटर सीज किए गए। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम, प्राधिकरण, पुलिस, फायर और जितने भी महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं उनकी एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है और उनके द्वारा बेसमेंट में जो भी मानवीय गतिविधियां हैं उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो टेली की कोचिंग हो या अन्य कोई गतिविधि हो, और उनको एक अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जा रहा है। परंतु जहां पर गंभीरतापूर्वक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है या गंभीर वायलेशंस देखे जा रहे हैं उनको सील करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। चालान वगैरह इसके चालान तो प्राधिकरण करेंगे, बट वो भी नियमों को देखते हुए, उनका पक्ष जानने के बाद। नगर निगम जरूर यहां पर अवैध होर्डिंग हटा रहा है और जो भी गंदगी है उनका चालान कर रहा है। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।